वज्रिणाणम् आयरियो वज्जाय साहूणं यडमोयपजुषणाणम् डमो दसलखण पवाणम् अडमोजिडाडम सर्वे दस लक्षण महापर्व का आज छठवां दिन है और इस छठवें दिन में हम लोग उत्तम संयम धर्म की आराधना करते हैं। ये उत्तम संयम धर्म क्या है, क्या स्वरूप है और यह हमारी जीवन का कैसे कल्याण कर सकता है, आज हम थोड़ी देर विचार करेंगे। इसके स्वरूप को समझने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। दस धम्म सारों की गाथा संख्या 9, जिसमें संयम धर्म का लक्षण किया गया है। संयमणमेव संयम सम्मत्तानुभाई ऋण्यानुभवण इच्छेण व्यवहारेण पंचेन्द्रिय निरोग। इसका अर्थ है संयमण मेव संयम, अर्थात संयमन ही संयम है। जो सो खलु हवई सत्तानुभाई, जो निश्चित रूप से सम्यक्त का अनुभावी होता है। और ऋणानुभव पंचेंद्रिय निरोहो, निश्चय से देखें तो निजानुभव माने अपनी आत्मा का अनुभव, और व्यवहार से देखें तो पंचेंद्रिय निरोध यह संयम कहलाता है। तो ये संयम धर्म का जो आज के दिन जिसकी विशेष चर्चा होती है, विशेष उसकी ये उसका ये वास्तविक आचार्य वीरसेन धवला टीका जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसमें वो कहते हैं कि उत्तम सम्यक संयम सम्यक्त का अनुभावी होता है, अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक जो संयम होता है वो ही उत्तम है। और बिना संयम के, बिना सम्यक दर्शन के वह संयम भी मोक्ष का कारण नहीं बनता है। पंडित सदासुखदास जी ने रत्नकंड श्रावकाचार की टीका में एक अलग ही तरह की बात कही है। वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन भी तभी पूर्ण होता है जब संयम साथ में हो। आप उसका स्वाध्याय करें तो वहाँ ये पंक्ति मिल जाएगी जब वो उत्तम संयम धर्म की व्याख्या कर रहे होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अपने उपयोग को समस्त पर पदार्थों से समेट करके आत्मसन्मुख कर लेना और अपने आप में सीमित हो जाना और अपनी आत्मा में लगा देना, हमारा उपयोग इधर उधर ना भटके, हम अपने उपयोग को अपनी आत्मा में केंद्रित कर लें, अपने चित्त को अपने स्वसन्मुख कर लें और स्वयं की आत्मा में लीन हो जाएं, वास्तव में वही निश्चय से संयम कहलाता है। और इस तरह का संयम हमारे जो मुनिराज हैं वे धारण कर पाते हैं कि जो समस्त अपने उपयोग कर लेते हैं और कृष्ट संयम को, निश्चय संयम को वो धारण कर लेते हैं। संयम की परिभाषा बताई जाती है वह व्यवहार से, वह पंचेंद्री के निरोध स्वरूप है। हमारी जो ये 5 इंद्रियां हैं इनके व्यापार को समेटना, जैसा योग में योगस चित्त वृत्ति निरोधा कहा जाता है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना, उसी तरह पंचेंद्रिय के को निरोध करना। हमारी जो 5 इंद्रियां इनका ये, लेकिन हम अपनी आत्मा के पुरुषार्थ से
उन पंचेंद्रियों पर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि अगर ये इसी तरह विषय भोगों में रमण करती रहेंगी तो पाप का संचय होता रहेगा और हमारा मनुष्य भाव भी खराब चला जाएगा, यह लोग भी खराब हो जाएगा, परलोक भी खराब हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमें इस इंद्रिय संयम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो संयम है वह भी दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय संयम और दूसरा प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम को तो हम पांच इंद्रियों तक के जीवों की रक्षा के बारे में विचार करते हैं कि एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय चक के जो इस जगत में जीव हैं उनके प्रति दया का भाव रखना, हाथों के पीछे उनका हनन ना हो जाए, हमारी किसी क्रिया से उन्हें दुख ना पहुंचे, इसका विचार करना और अपने जीवन को संयमित रखना। ना देखा जाए तो हम बेकार है, क्यों? उदाहरण से समझें, जैसे कार होती है या कोई गाड़ी है, उसकी उपादेयता कब तक है? आप ऐसे कार की कल्पना करें जिसमें ब्रेक ना हो तो क्या उसको चलाया जा सकता है? तो जिस प्रकार कार ब्रेक हो तो कार, नहीं तो बेकार। उसी प्रकार जीवन में यदि संयम है तो जीवन सार्थक है, अन्यथा यह जीवन बेकार है। इसलिए जीवन आवश्यकता पड़ती है और आता है कि एक मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है सभी योनियों में जहां पर संयम को अंगीकार किया जाता है या किया जा सकता है। ऐसा शास्त्रों में आता है कि देव गति में अनंत सुख हैं और बहुत इंद्रियों के सुख उनको प्राप्त होते हैं और उन्हें धर्म का ज्ञान भी होता है, लेकिन वो सब ज्ञान में ही रह जाता है, वो संयम धारण नहीं कर पाते, यानी उनकी पर्याय में इतनी योग्यता नहीं है कर लें, या उनकी एक कांक्षा होती है। तो वह मनुष्य जन्म हम सभी को प्राप्त है और इस जन्म में यथासंभव संयम को धारण करके हमें उस संयम धर्म की आराधना करना चाहिए और इस मनुष्य भव को सार्थक बनाना चाहिए। प्रायः जब संयम की बात चलती है तो लोग कहते हैं कि धर्म में तो बहुत प्रतिबंध हैं, काफ़ी व्रत वगैरह की चर्चा होती है, और विशेषकर जैन धर्म में तो बोले इनके नियम बहुत कठिन है, इनको पालना बहुत कठिन है। लेकिन बंधुओं, वास्तविकता ये है कि संयम की आवश्यकता सिर्फ धर्म के क्षेत्र में नहीं है, सिर्फ मोक्ष मार्ग के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संयम की आवश्यकता पड़ती है। आप देखो, आज वर्तमान में पर्यावरण की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से अनेक प्रकार के संयम रखने की अपील की जाती। अगर आज इस महामारी के काल में हमसे कहा जाता है कि आप जब बाहर निकलो तो अपने मुख पर मुंह पट्टी लगा कर निकलो, तो यह भी तो संयम है। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चलो तो ये भी तो संयम है कि आप कंट्रोल करो किस चीज़ पर। आप देखिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, और उन्मुक्त भोग आज एक बहुत बड़ी समस्या है। यह एक ऐसा रोग है जो सब कुछ तबाह कर देगा, और संयम हमें आत्मानुशासन सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल, खुद पर संयम रखना। लोग दूसरों पर शासन करना जानते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन खुद पर शासन करने की इच्छा नहीं होती। खुद पर शासन, निज पर शासन, फिर अनुशासन। तो संयम कहता है पहले खुद को अनुशासित करो, और अच्छा शासन वही कर सकता है जो निज पर शासन करता है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इतना अच्छा शासन चला रहे हैं, इस विपत्ति काल में भी उन्होंने भारत को कितने तरीके से, कितनी बुद्धि से संचालित किया, और संपूर्ण विश्व में इस चीज़ का महत्व समझ में आया कि भारत ने जो कदम उठाए वो सराहनीय थे, और पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका जीवन भी संयमित है, वो ऐसे भोगवादी प्रवृत्ति के नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में योग को धारण किया है, धर्म को धारण किया है, और मर्यादित जीवन है, संगठित अनुशासित जीवन है, इसलिए वो दूसरों पर भी अच्छे से अनुशासन लागू कर पा रहे हैं।
तो अगर हमें कहीं बाहर भी अनुशासन चाहिए तो सबसे पहले हमें ईमानदारी से आत्मानुशासन पर विचार करना चाहिए। हमें ईमानदारी से एक बात और भी विचार करना चाहिए कि हम इंद्रियों के दास हैं या इंद्रियां हमारी दास हैं। इंद्रियां जो डिमांड करेंगी हम उनको पूरा करते हैं। इंद्रियां कहती हैं ये खाओ वो पियो और हम उसको पूरा कर देते हैं। तो जब तक इंद्रियां डिमांड करती रहेंगी और हम उसको पूरा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि इंद्रियां तो ऐसे ऐसे विषय भोगों की कामना करती हैं जो शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, तब भी हम उस इंद्रियों के वशीभूत होकर उसकी पूर्ति करते रहते। जैसे एक उदाहरण दूं, जैसे जिनको शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी है तो उनको मीठा खाना उनके शरीर के लिए नुकसानदायक, लेकिन उनकी इंद्रियां क्या डिमांड करती हैं कि मीठा खाओ, अधिक से अधिक मीठा खाओ। तो इंद्रियां इस चीज़ की डिमांड कर रही हैं, अगर वो उस डिमांड की पूर्ति करेंगे तो क्या होगा, उनका रोग बढ़ेगा और उनके जीवन का घात हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, माने इंद्रियां डिमांड कर रही हैं लेकिन हमें उसकी पूर्ति नहीं करनी है, तो हम अपने शरीर को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरह इंद्रियां विषय भोगों की डिमांड करती हैं ताकि हमारी आत्मा में कलुषता उत्पन्न हो। तो योग ये सिखाता है, संयम यह सिखाता है कि हमें उन इंद्रियों पर कंट्रोल करना है ताकि हमारा अध्यात्म सुरक्षित रहे, हमारी आत्मा सुरक्षित रहे, हमारी आत्मा कलुषित ना हो वहां पर। इसलिए इंद्रियों पर कंट्रोल की बात कही जाती है। अगर हम जिस दिन हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे, उसके मालिक बन जाएंगे, उस दिन हम जितेंद्री कहलाने लग जाएंगे, क्योंकि जिनेंद्र जो शब्द है, जिनकी जिनेंद्र की आराधना करते हैं, उनकी लक्षण में ये बात कही जाती है कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनेंद्र हैं। और वास्तव में विजेता वही है दुनिया में जिसने अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। ये भारतीय दर्शन है और भारत का अध्यात्म है। सिर्फ जैन परंपरा में नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय परंपरा में जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की वो ही मुखिया बना है, उसने ही वास्तविक विजय हासिल की है। इसलिए आपसे कभी इंद्रियां कहें कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, वो कहेंगी, लेकिन आप दृढ़ता से कहोगे कि नहीं, मुझे फिल्म देखने नहीं जाना है बल्कि मुझे भगवान के दर्शन करने जाना। इंद्रियां तो आपकी दास रहेंगी, इंद्रियां देखेंगी, मतलब चक्षु इंद्रिय है वो देखने का काम है उसका, वो देखेगी, लेकिन क्या देखना है ये निर्णय आपको करना है, ये निर्णय हमें करना है। हम इस चीज को अपने विवेक से निर्णय करेंगे कि इंद्रियों की प्रवृत्ति किस ओर हो, किन विषयों में हो। ये आत्म पुरुषार्थ हमको, जब हमारी इंद्रियां कहेंगी विषय भोगों में जाओ तो हम उन इंद्रियों को आदेश देंगे कि नहीं, हमें धर्म कार्य में लगना है, हमें शुभ कार्य में लगना है, हमें ऐसे कोई कार्य में नहीं लगना है जिससे पापों का संचय होता है। इंद्रियां हमारे आदेश को स्वीकार करेंगी और वो बात मानेंगी। इंद्रियां कहेंगी कि आप मद्य मांस का सेवन करो, शराब पियो, इसमें बहुत आनंद आता है, ऐसा इंद्रियां आदेश देंगी। लेकिन अगर आप इंद्रियों के दास होंगे तो आप मद्यपान कर लेंगे, लेकिन इंद्रियां यदि आपकी दास होंगी तो आप कहेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। वहां संयम का प्रतीक है, वहां संयम को धारण करेंगे, हम अभक्ष्य पदार्थ में स्वाद नहीं मानेंगे। आप कहोगे मैं मात्र अपने स्वाद और पेट के को भरने के लिए किसी भी प्राणी का वध नहीं कर सकता हूं, इतनी सी बात के लिए। और यही संयम कहलाता है, यही धर्म है, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को संयमित करना। जीवन का उत्कर्ष संयम से ही बंधुओं प्रारंभ होता है। ये बहुत बड़ा यथार्थ है, ये बहुत बड़ा सत्य है। इसको आज माने, कल माने, चाहे अनंत काल बाद माने, हमको मानना पड़ेगा। आप देखिए जैनाचार्यों ने सबका उद्धार किया, कोई कैसा भी व्यक्ति उसके सामने आया उन्होंने उद्धार किया। आपने पुरौवा भील की कहानी सुनी होगी, वह भील जंगल में रहता था और जंगल में क्या करता था, उसकी आजीविका कुछ नहीं थी, वो जंगल में भी रह करके पशु पक्षियों को मारता था, उनका शिकार करता था, उनको पकाता था और खाता था,
माने मांसाहार पर उसका पूरा जीवन निर्भर था और उसका परिवार उसी से चल रहा था। तो एक दिन एक मुनिराज उस जंगल में पधारे, वहाँ विचरण कर रहे थे, वहाँ ध्यान मग्न थे। तो उस भील को उन मुनिराज के शांत स्वरूप को देख करके विचार आया कि ये कौन है, ये ऐसे जंगल में इतने शांत स्वभावी कैसे बैठे हुए। तो उसने उनसे पूछा, तो उनका जो वार्तालाप हुआ वो सब आपको पता है, लेकिन एक उसमें जो मुख्य प्रश्न था कि जब उसने देखा कि ये किसी धर्म की आराधना कर रहे हैं, आत्मा की आराधना कर रहे हैं, तो उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि क्या ये ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मेरा जीवन तो रात दिन पाप में डूबा हुआ है, मैं तो मांस के बिना रह नहीं सकता, मांस खाए बिना रह नहीं सकता। और एक जंगल में रहने वाला भील, ना वो पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है। तो ऐसे समय में जो मुनिराज थे उन्होंने उसको ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने उसको समझ लिया कि इसको अभी मैं अगर तत्वार सूत्र पढ़ाने बैठूंगा तो ये पढ़ेगा नहीं, इसको अगर मैं तत्व ज्ञान दूंगा तो सुनेगा नहीं। स्थिति देख करके उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने कहा ऐसे जीव का कैसे कल्याण हो सकता है। तो मुनिराज ने एक निर्णय किया कि संयम ही एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिससे निकृष्ट से निकृष्ट जीव का भी कल्याण हो सकता है। उन्होंने उससे कहा कि एक बात बताओ, वो उसने कहा मैं, उन्होंने कहा मांस खाना छोड़ दो, उसने कहा मैं नहीं छोड़ सकता। अब देखिए मांस खाना भी वो व्यक्ति नहीं छोड़ सकता था, तो कैसे धर्म की आराधना करता। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सारे पक्षियों का और सारे जानवरों का मांस खाते हो? उसने कहा लगभग सबको खाते हैं। फिर उसने उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, ये कौवे को भी खाते हो? कौवा काँव काँव कर रहा था, बोले इसको भी खाते हो? बोले नहीं साहब, ये जो खराब पक्षी माना जाता है कौवा हमारी जाति में, तो हम लोग इस पक्षी का सेवन नहीं करते, हमारी पूरे जाति में पूरे समुदाय में इसका सेवन नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा तो कभी पहले किया कभी खाया? बोले नहीं खाया है। बोले इस कौवे को भविष्य में खाओगे? बोले भविष्य में भी नहीं खाएंगे। तो बोले सुनो एक बात, आज मैं तुमको एक संयम तुम ग्रहण कर सकते हो आज के दिन। तो उसने कहा बताओ प्रभुवर, आप जो आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम कौवे के मांस का आजीवन त्याग कर दो, कि मैं जीवन में कौवे का मांस, माने संपूर्ण मांस का त्याग नहीं करवाया उसको, उसको कहा एक छोटी सी शुरुआत करो। उन्होंने कहा कौवे के मांस का आजीवन त्याग कर दो, व्रत, चाहे मर जाऊं लेकिन कौवे का मांस नहीं खाऊं। तो भील ने विचार किया हमारे खानदान में कभी किसी ने कौवे का मांस नहीं खाया है और भविष्य में भी कोई खाने की संभावना नहीं, हमारे यहाँ नियम है नहीं खाते हम लोग। तो उसने कहा ये कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं है इसमें ये, तो उसने कहा ये मैं आपके सामने व्रत लेता हूँ। तो कहले ध्यान रखना ये व्रत है, फिर कभी ऐसा मत करना, और अगर इस व्रत का पालन तुम अच्छे से करोगे तो तुम्हारे जीवन में धर्म की शुरुआत हो जाएगी। संयम की प्रेरणा दी, उसको ज्ञान नहीं दिया वहां पे, ये संयम का। अब देखिए उसने विचार कर लिया भील ने कि मैं तो मुनिराज चले गए, फिर वो अपना काम करने लगा। एक बार वो भील बहुत बीमार पड़ा, इतना ज़्यादा बीमार पड़ा कि उसका कोई उपाय नहीं था उसको ठीक करने का। तो किसी वैद्य ने उसकी पत्नी को सलाह दी कि ये एक औषधि है, इस यही एक आसरा है जो इसको जीवन बचाया जा सकता है तुम्हारे पति का। तो उसने वो औषधि के साथ एक अनुपान बताया, एक शर्त बताई कि आपको एक शर्त है, इस औषधि तभी काम करेगी जब इसको कौवे के मांस के साथ खिलाया जाएगा। तो उसने कहा कौवे का मांस तो हमारे खानदान में कोई खाता नहीं ना कभी। बोले अब जीवन बचाना है तो करना पड़ेगा। तो उसने उसको कहा भील को कि भाई वो ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो एक कौवा मार लाती हूँ और उसके साथ पका के खिला देती हूँ, जीवन बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो उसने कहा क्या कह रही हो? बोले कौवे, कले किसी और के साथ दे दो। बोले नहीं, कौवे के मांस को ही महत्वपूर्ण माना है इसके, तभी जीवन बचेगा। अब इतना कह कर के जैसे ही उसको ध्यान आया कि कौवे के मांस के बारे में मैंने कभी, एक मुनिराज आए थे बहुत वर्षों पहले और उन्होंने कहा था कौवे का मांस मत खाना, त्याग कर दो, तो मैंने जीवन में एक नियम लिया था और उसका आज तक पालन किया है,
अब मैं अपना जीवन बचाने के लिए, अंत समय मरना तो है ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन मैं अपने व्रत को तोड़ूंगा नहीं, मैं अपने संयम का घात नहीं करूंगा। उसने ऐसा व्रत लिया और पत्नी से कह दिया कि अब चाहे जो हो जाए, बचना होगा तो बच जाएंगे, मरना होगा मर जाएंगे, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, संयम को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा उसने प्रतिज्ञा कर ली, और वो जो प्रतिज्ञा उसकी थी उसने उसका पालन किया, और उसने कौए के मांस का सेवन मरते दम तक नहीं किया। और मृत्यु को तो ऐसे भी लोग प्राप्त हो जाते हैं, और क्या गारंटी थी कि वो खा भी लेता तो भी बच जाता। उसने तो कह दिया बचे चाहे ना बच, और उसने उसका त्याग कर दिया और उसने उसका सेवन नहीं किया, और कुछ समय बाद उसका देह विसर्जित हो गया, उसका निधन हो गया। और बंधुओं, वह एक एक छोटा सा संयम, मैं इसलिए ये कहानी सुनाई है प्रेरणा देने के लिए, हम लोग जो इतने बहानेबाजी करते हैं कि हम नियम नहीं ले सकते, मैं कहता हूँ एक नियम भी, यदि छोटा सा भी नियम आपने दृढ़ता से पाल लिया, तो आपका जो ये उलझा भरा जीवन है जिसमें आप परेशान रहते हैं, आपका पूरा जीवन सुलझ जाएगा। ये चीज मैं अनुभव से कह रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो मजाक उड़ाते फिरते हैं ना कि संयम धारण करने से कुछ नहीं होता, मैं आपसे कह रहा हूँ एक छोटा सा उदाहरण। कभी आपने वो पतंग उड़ाने वाले मांझे, कभी कभी वो बहुत उलझ जाता है और सुलझता नहीं है, और खूब सुलझाओ तो और उलझता जाता है। तो हम उस समय वहाँ क्या खोजते हैं, हम उस समय देखते हैं कि इसकी एक डोर हमको मिल जाए, जो इसकी शुरू की डोर है, जो एक कड़ी है वो मिल जाए, उसको खोजते हैं और उसको अकेले हम पकड़ लें और फिर पूरा धागा सुल जाते हैं तो सुलझता चला जाता। इसी तरह हमारा जीवन भी अनेक विषय भोगों में उलझा हुआ है, अगर हमने उस संयम की डोर को इतना सा भी पकड़ लिया, मैं कहता हूँ एक छोटा सा भी नियम ले लिया, छोटा सा जो पल सकता है उसको दृढ़ता से पाल लिया, तो आप देखना वो छोटा सा नियम हमको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। जीवन में छोटा सा संयम कितने उत्कर्ष की तरफ ले जाएगा आप देखना। तो मैं कहता हूँ इस संयम धर्म के दिन हमें विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में कितने अर्थों में संयम है, और नहीं है तो उसकी छोटी सी शुरुआत आज के दिन अगर हम अपने मन से संकल्प लेकर कर लें, तो निश्चित रूप से वह छोटा सा संयम, वह भील अगले भवों में जा कर के वही तीर्थंकर महावीर का जीव था, ये भी आपको पता होगा, तो वह अगले भव में बताइए एक संयम का कमाल देखिए, उस जीव को तीर्थंकर बना के रख दी। मैंने कई भाव लगे, लेकिन फिर भी मैंने कितने भी भाव लग जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वह जीव तीर्थंकर की पर्याय को प्राप्त कर गया, उस जितेंद्री बना, एक संयम का कमाल था वो, चाहे शुरुआत कभी भी हुई हो। तो हम अपने इस मनुष्य जन्म का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं कि हम अपने राष्ट्र के नियमों को पालें, अपने समाज के नियमों को पालें, परिवार के नियमों को पालें, और आध्यात्मिक नियमों का पालन करें, संयम को अपने जीवन में अंगीकार करें और उसमें अपनी शक्ति को छुपाएं ना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैन धर्म एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि यथाशक्ति तपस्त्यागः, अपने शक्ति के अनुसार तप और त्याग करना चाहिए। शक्ति के बाहर की भी बात नहीं करता और शक्ति को छुपा करके भी काम नहीं करना चाहिए। जिसकी जैसी क्षमता, सबकी अलग अलग क्षमता होती है, मैं कहता हूँ आपकी क्षमता भले ही कम हो, हमारी क्षमता भले ही कम हो, लेकिन श्रद्धान पूरा रहना चाहिए। संयम के प्रति श्रद्धा भी बहुत बड़ी बात है, और संयमी जीवों के प्रति हमारा श्रद्धान होना चाहिए। यदि किसी ने संयम धारण किया है तो उनका हम सहयोग करें, उनकी सेवा करें, ये भी संयम के प्रति आराधना है, संयम की आराधना है। तो हम जब, आपको पता है एक बात, आज हम संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, वायरस का संक्रमण हो जाता है, कहते हैं छूने से संक्रमण हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं संयम का भी संक्रमण होता है। आप संयमी लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी संयम करने की इच्छा होगी। आप किसी व्रती के साथ रहें, उनका सहचार प्राप्त करें,
कोई वीतरागी मुनिराज के साथ आप कुछ समय गुजारें, उनके दर्शन करें और उनकी दिनचर्या को देखें, तो आपको भी लगेगा हम भी धारण कर सकते हैं। और आप भोगियों के बीच में रहेंगे तो आप और बिगड़ेंगे। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी संगति करेंगे, यदि हम संयमियों का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो वो संयम गुण ऐसा गुण है कि वो भी संक्रमण करता है, वो भी संक्रमित होता है। तो ऐसे संक्रमण को तो हमें प्राप्त करना है, तो हम संयमी लोगों का सानिध्य प्राप्त करें, उनके प्रति अपने श्रद्धान को मजबूत करें, बरकरार रखें, उनकी सेवा करें, उनकी आराधना करें। ये भी संयम धर्म के दिन हमको सीखना है, इस पर विचार करना है। और अपनी शक्ति के अनुसार यदि हम छोटा सा नियम लें और उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करें, उसको छोड़े नहीं। पंडित सदासुख दास जी ने रत्नगण सावकाचार की टीका में आज एक स्वाध्याय कर रहे थे, तब पता चला, बड़ी महत्वपूर्ण एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, छोटी छोटी बातों के लिए अपने संयम को तोड़ देना ऐसा ही है जैसे कौड़ियों के मोल कोई चिंतामणि रत्न को बेच देता है, और ऐसे ही है जैसे कोई खाना बनाने के लिए ईंधन चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो कोई कल्प वृक्ष को काटकर ईंधन में लगा देता है। ऐसा इतना संयम तोड़ने का दुष्परिणाम है, अपने नियमों को तोड़ने का, अपने संयम से च्युत होने का। तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा सौदा, इतना घाटे का सौदा हमें नहीं करना चाहिए और दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। एक छोटा सा बीज आप देखो, जब हम बो देते हैं जमीन में तो धीरे धीरे एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, बड़ा बन जाता है। और इसी तरह एक छोटा सा संयम यदि हम अपने जीवन में उसको रोपित कर लें, तो वही संयम धीरे धीरे बन करके एक बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, वही बड़े संयम का भी आधारशिला बन जाता है। और छोटे से संयम की शुरुआत हमें अपनी आत्मा से मिला सकती है, हमारे आत्मा का अनुभव करा सकती है, अपने चित्त ज्ञानानंद स्वरूपी शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन कराएगी। क्योंकि जब तक हम इंद्रियों में उलझे रहेंगे तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होगा, और आत्मा का दर्शन तभी होगा जब इंद्रियों से परे जाएंगे। और इंद्रियों से परे जाने का सबसे सरल मार्ग है कि संयम, संयम के माध्यम से हम इंद्रियों को संकुचित करेंगे और इंद्रियों से परे इस अतीन्द्रिय तत्व का दर्शन करेंगे, तब हम उत्तम संयम धर्म को वास्तविक रूप में उसको धारण कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर काव्य डॉक्टर शांता जी ने लिखा, और उसी की दो लाइन सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लक्ष्य है मेरे अटल तो मंजिलें स्वागत करेंगी, लक्ष्य है मेरे अटल तो मंजिलें स्वागत करेंगी, और बो दिया है बीज तो फिर क्यारियां निश्चित खिलेंगी, क्यारियां निश्चित खिलेंगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक।